तो चलिए देख लेते हैं। मुगलई पराठे के साथ जो आलू की सब्जी सर्व की जाती है कोलकाता में, तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आलू लिया है मैंने और ये हाफ बॉयल है, 4 से 5 आलू है यहाँ पे। और चाहिए हमें हरी मिर्च कटी हुई, टमाटर पेस्ट है, ये प्यूरी बनाई है मैंने 2 टमाटर की। और चाहिए हमें ऑयल, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी हमें यहाँ पे चीनी चाहिए, लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने ये एक मसाला बनाना है मुझे इसके लिए, जिसके लिए मैंने लिया है एक दालचीनी, 2 लाल खड़ी मिर्च, सॉरी तेज पत्ता, दालचीनी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप साबुत जीरा है और साबुत धनिया है, 5 से 6 मैंने लौंग लिया है, और 5 से 6 मैंने काली मिर्च ली है, और 2 हरी इलायची ली है मैंने छोटी। और इनको रोस्ट करने के बाद मैं इनको पीस लूँगी, दरदरा करके पीसना है मुझे, ज़्यादा स्मूथ पेस्ट मुझे नहीं बनाना है। तो चलिए इनको फटाफट से मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तवा चढ़ाया था, तो इसमें अब मैं सारे मसाले डाल देती हूँ और अब इन्हें अच्छे से मुझे रोस्ट करना है। जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक मुझे इसको रोस्ट करना है। और उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो ये ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पोटैटो को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा लाल पाउडर है ये मिर्ची का कलर के लिए, तेज आग पे हमको इसको फ्राई करना है अच्छे से। हम आलू को इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि एक तो ये थोड़ा आधा पका है आधा कच्चा है, तो वो अब पक जाएगा, और ऐसे बॉयल आलू अगर सब्जी बनाएं तो फिर वो बॉयल ही लगता है, बीमार हो जाता खाना, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जितना मुझे फ्राई करना था ये अच्छा खासा फ्राई हो गया है और पक भी गया है साथ में, जितना भी बचा था उतना भी ये देखिए पक गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तेल में मुझे सब्जी फिर मैं बनाऊँगी, तो आँच कम कर लेती हूँ और इसको निकाल लूँगी अच्छे से। हमारा गर्म ही है तो इसमें मैं सबसे पहले साबुत जीरा डाल दूँगी, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर की पेस्ट जो मैंने बनाया था, ये पेस्ट आँच कम कर लेंगे। और इसी पेस्ट में मैं ऐड करूंगी, मैं स्किप हो गया था मेरे माइंड से, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, इसमें हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमें ऐड करना है, तो अब इसी स्टेज पे मैं उसको ऐड कर दूंगी। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और बाकी मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी धीरे धीरे, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर,
हरी कटी हुई मिर्ची, चीनी, और जी मैंने पाउडर बना लिया है इसका, तो इस टाइम मैं आधा डालूंगी और बाकी मैं रख दूंगी बाद के लिए। हमें मसाले को अच्छे से, जब तक तेल ऊपर नहीं आता तब तक हमें अच्छे से इसको पकाना है। मसाला अच्छे से पक गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, फ्राइड आलू, और चला दूंगी अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा, क्योंकि हमें इसे सूखा सूखा ही बनाना है, तो बहुत थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करा है मैंने। और अब इस स्टेज से मैं डाल दूंगी इसमें नमक, मिला लूंगी अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी वेजिटेबल। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि आलू के साथ जो हमने मसाले लगाए हैं वो भी एब्जॉर्ब कर ले थोड़ा सा आलू, और बाद में फिनिशिंग टच देंगे हम इसको। तो थोड़ा सा पका लेते हैं पहले। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी ऊपर से और इसको बंद कर दूंगी, सिर्फ इतना ही डालूंगी मैं। इसको चलाइए। बस ये हो गया है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड तैयार हो गई आपकी आलू की सब्जी। इंजॉय करने के लिए मुगलाई पराठा चाहिए बस। और ये सब्जी का जो मेथड है इसी मेथड से आप बना के देखिए, आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी इस रेसिपी को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो और अच्छी रेसिपी के लिए मैं आगे मिलती रहूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टिल देन बाय।